नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूं नंदिनी जैन। अगर आप मीठा खाकर बोर हो गए हैं तो इस 15 अगस्त को स्ट्रीट फूड का मजा लें। आप इन्हें भी नायाब तरीके से तैयार कर सकते हैं और जश्न का मजा दुगना कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे आप कलरफुल स्ट्रीट फूड डिलाइट्स का मजा ले सकते हैं। इसके लिए आपको सामग्री की जरूरत होगी। सबसे पहले रैप बनाने के लिए सामग्री, एक कप प्लेन मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक, एक चम्मच तेल, आधा कप गर्म पानी। फिलिंग के लिए सामग्री, एक चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा प्याज स्लाइस किया हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक येलो बेल पेपर स्लाइस्ड, एक गाजर स्लाइस्ड, एक पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच विनेगर, एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, दो बड़े चम्मच टमाटो सॉस, एक छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, चाट मसाला। इसे बनाने का तरीका, सबसे पहले एक कटोरे में मैदा, नमक और तेल डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। इसके बाद पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा गूंथ ले। इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख दे। 20 मिनट बाद इस आटे की लोइया बना ले, फिर पतला पतला बेल कर तवे में हाफ कुक कर ले। ध्यान रखे कि पराठे पूरी तरह से पकना नहीं चाहिए, इन्हें निकाल कर रख दे। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डाले और उसमें सारी सब्जियां डाले, अच्छी तरह सौते कर ले। इसमें सॉस, नमक, काली मिर्च डालकर मिला ले। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाए और आंच बंद कर दे। इसके बाद पराठे को फिर से तवे में डाले और उसमें सब्जियां फैलाए। आप अन्य सॉस जैसे मेयोनीज, मस्टर्ड सॉस भी सब्जी में डाल सकते हैं। पराठे को रैप कर ले और रंग बिरंगे रैप का मजा ले। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की रेसिपीज के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।